मैं जानता हूँ ये ख्वाब झूठे हैं और ये खुशियाँ अधूरी हैं। मैं जानता हूँ ये ख्वाब झूठे हैं और ये खुशियाँ अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए मेरे दोस्त कुछ गलत फहमियाँ भी ज़रूरी हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल हम चलते हैं नेपाल बॉर्डर की तरफ और मेरे होम प्लेस से लगभग 4 किलोमीटर दूर है और देखते हैं लोगों की आवाजाही चालू हुई कि नहीं हुई, क्योंकि अभी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर लोग आपस में एक दूसरे की कंट्री में जा सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं। और यह है बनबसा बैराज जो पूरी तरह शांत पड़ा हुआ है, और मैंने लोगों से पता किया था तो वो बोले कि काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है, कोरोना की जो नेगेटिव की रिपोर्ट है वो भी मांगी जा रही है, उसके अलावा कुछ हेल्थ कार्ड और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगा जा रहा है। जो पहले की तरह जो जिस तरह हम नेपाल में इंटर कर जाते थे वैसा कुछ नहीं है, जो हम टैक्स करके और भंगसाल जमा करके नेपाल में इंटर कर जाते थे। तो फिलहाल हम देखते हैं बनबसा मार्केट की तरफ जाके जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, और फिलहाल आप देख सकते हैं बनबसा मार्केट बिल्कुल शांत पड़ा हुआ है। अगर इंडिया और नेपाल में लोगों की आवाजाही होती है तो ये मार्केट बिल्कुल गुलजार हो जाता है, और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ इंडियन लोग हैं। तो फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन आई थी तो फिलहाल वो ग्राउंड पर मुझे लागू होती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि इंडिया नेपाल के लिए बिल्कुल भी अभी लोगों की आवाजाही बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम लोग आ जा रहे हैं। तो फिलहाल मैं भी यही कहूँगा कि अगर आप घूमने के पर्पज़ से या पिकनिक मनाने के लिए नेपाल जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो गाइज आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि फिलहाल बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा सख्ती है कोरोना की वजह से, और भी कुछ और प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो फिलहाल गाइज मैं मेरी तरफ से यही इंफॉर्मेशन था, कुछ खास था नहीं बनाने के लिए। और तो है गाइज ये था मेरे द्वारा बनाया गया नेपाल का ब्लॉग, और नेपाल के बॉर्डर्स के लिए मैं आपको इन्फॉर्म दे दूं कि आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाँ, अगर आपको ट्रेड पर्पज़ से, अगर आप व्यापारी हैं, आपका कुछ ट्रेड है नेपाल के साथ, तो आप जा सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारी औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ेंगी आपको, जैसे कोरोना टेस्ट है, उसके अलावा कुछ हेल्थ कार्ड भी दिखाने पड़ते हैं, एक एप्लीकेशन भी देनी पड़ेगी। तो जो फिलहाल जो लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर ओपन हो चुके हैं, तो मैं जाकर वापस आ गया हूँ, दिखाने के लिए इतना कोई अच्छा खास था नहीं। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म दे दूँ कि अगर आप नेपाल घूमने के पर्पज़ से या कुछ पिकनिक के लिए जाना चाहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है जाके, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर जो अब गवर्नमेंट की तरफ से, अगर इंडियन गवर्नमेंट आपके इंडियन जो फोर्सेस है वो छोड़ भी देती है, तो नेपाल के बॉर्डर पर आपको रोक लिया जाएगा कि आप, और काफ़ी ज़्यादा पूछताछ की जा रही है कि आप किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। तो गाइज मेरी तरफ से यही एडवाइज़ आपको कि फ़िलहाल के लिए आप अवॉइड कीजिए नेपाल जाने का प्रोग्राम, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है बॉर्डर्स पे, और ज़्यादा इतनी ज़्यादा आवाजाही भी नहीं है। नेपाल के लोग आ जा रहे हैं, बट इंडियन की तरफ से मैंने कुछ लोगों को पूछा भी था, जो वहाँ पर ऑफिशियल लोग हैं उनसे भी पूछा था। तो गाइज फ़िलहाल के लिए इतना ही है, और जैसे ही जो नेपाल हम आवाजाही करते थे और जो बॉर्डर पे हम टैक्स जमा करके जो से भंगसाल कहते हैं वो जाके इंटर कर जाते थे नेपाल में, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड विद शेखर ट्रैवलर।